नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आपको पता है कि RPF SI एंड कांस्टेबल के E+F ग्रुप की ऑफिशियल आंसर की पेपर सहित जारी कर दी गई है और इस वीडियो में अपन देखेंगे RPF SI के कुछ ऑफिशियल क्वेश्चंस जो कि मेरे को स्टूडेंट ने भेजे हैं। और अभी तक मेरे को 3 पारियों के क्वेश्चंस पेपर मिले हैं RPF SI के, और इसमें अपन जो स्पेशल बात करेंगे जीके के क्वेश्चन, जो कि आपके प्रत्येक पारी में 50 क्वेश्चन जीके के पूछे जा रहे हैं और इन 3 पारियों में आपके टोटल जीके के क्वेश्चन हो जाएंगे 150 क्वेश्चन। बाकी जो ये PDF फाइल है 3 सेट से है, इसमें टोटल आपके क्वेश्चन है 360 क्वेश्चन है। और ये जो PDF फाइल है मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे डाउनलोड करनी होगी, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी के आंसर की जारी हो गई है और आप सभी के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। मैंने रेलवे ग्रुप डी के ऑल शिफ्ट के ऑफिशियल क्वेश्चंस पेपर कलेक्ट कर लिए हैं। मैं आपको बता दूं, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम चले थे आपके 17 सितंबर 2018 से 17 दिसंबर 2018 तक। टोटल आपके 50 दिन एग्ज़ाम हुए हैं। 50 दिन का मतलब है 50 × 3 बराबर आपके 150 पारियों में ये एग्ज़ाम कम्प्लीट हुए हैं रेलवे ग्रुप डी के। इन 150 शिफ्ट में से मेरे को 135 शिफ्ट के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर मिल चुके हैं जो कि मैंने एक PDF फॉर्मेट में तैयार कर लिए हैं। यानी आपके टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो एक पारी में आपके 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी 135 शिफ्ट 135 × 100 हो जाएंगे आपके 13,500 क्वेश्चन पेपर की ये PDF फाइल है जो कि आपके हिंदी भाषा में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सी पारियों के क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल हैं और अभी तक 15 पारियों के मेरे को क्वेश्चंस पेपर नहीं मिले हैं। तो इन सभी पारियों के ये क्वेश्चन सेट्स अवेलेबल है। 17 सितंबर से लेकर 17 दिसंबर तक आपको लगभग सारे पेपर्स मिल जाएंगे। और लास्ट में मैंने RPF SI के कुछ सेट ऐड किए हैं जो कि मैंने डाउनलोड किए हैं, जो अपन इस वीडियो में देखेंगे। ओके, और ये PDF फाइल मात्र आप 35 रुपये का पेमेंट करके डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपके 4,700 पेज है। ओनली एंड ओनली आपके 35 रुपये लगेंगे और ये पूरी PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊँगा आपको किस टाइप से पेमेंट करना है और किस टाइप से फाइल डाउनलोड होगी। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। जैसे ही आपका पेमेंट होगा आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा और आपकी जीमेल आईडी पर भी वो डाउनलोड का विकल्प अवेलेबल हो जाएगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। चलिए देखते हैं RPF SI में पूछे गए क्वेश्चंस। और ये RPF SI का पेपर आपके 19 दिसंबर को हुआ है, प्रथम पारी का पेपर है। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, गैलियम तत्वों का परमाणु क्रमांक कितना है? तो गैलियम जो तत्व है उसका परमाणु क्रमांक होता है 31। यहाँ पे जो आप ग्रीन वाला देख रहे हो इसके ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गैलियम का होता है 31। गैलियम को Ga से डिनोट किया जाता है गैलियम को। और ये आपके P ब्लॉक का तत्व है, 13वें ग्रुप का एलिमेंट है। ओके, और इसका जो बात करें आपके परमाणु भार की, तो गैलियम का परमाणु भार होता है 69.7 होता है 69.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चक्रवर्ती रंगराजन थे 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, जो कि 2005 से लेकर 2010 तक उसका कार्यकाल था 12वें वित्त आयोग का। और अभी जो वित्त आयोग है वो आपके 14वां वित्त आयोग हैं, जिनके अध्यक्ष हैं YV रेड्डी। आप यहाँ पे देख सकते हो YV रेड्डी, YV की फुल फॉर्म है यागा वेणुगोपाल रेड्डी, जो कि 2015 से 2020 तक रहेंगे इस 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। और बाकी बात करें दोस्तों डॉक्टर विजय एल केलकर की, तो विजय एल केलकर ये अध्यक्ष थे आपके 13वें वित्त आयोग के। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे NK सिंह, जो कि नेक्स्ट होगा आपके 2020 से लेकर 2025 तक। अगला क्वेश्चन है, अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये सिद्धांत दिया है वर्नर हाइजेनबर्ग ने दिया है अनिश्चितता का सिद्धांत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यूनेस्को के अंतर्गत शामिल विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो ये हो जाएगा आपके चांद मीनार है, और चांद मीनार दोस्तों महाराष्ट्र दौलताबाद महाराष्ट्र में स्थित है चांद मीनार। और एलिफेंटा की गुफाएं की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र में है। रानी की वाव, रानी की जो बावली है स्टेप वेल है, ये आपके गुजरात में है, पाटन गुजरात के अंदर है, जिसके जो 100 रुपये के नोट हैं उसके पीछे रानी की बाव का चित्र अंकित है। और हुमायूं का मकबरा आपको पता होना चाहिए नई दिल्ली में है। ओके, अगला क्वेश्चन है, एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम क्या है? तो एडम गिलक्रिस्ट जो क्रिकेटर हैं इनका उपनाम है चर्ची। क्या है दोस्तों? चर्ची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है ये आपके भाषाओं से संबंधित है, आधिकारिक भारतीय भाषाओं से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है?
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा नहीं। तो दोनों लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों का कोई भी व्यक्ति सदस्य नहीं रह सकता है एक साथ। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। अगला है, सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी है 227.9 मिलियन किलोमीटर। और अगला है, भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबोधित करते हुए देता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए। अगला है, इथियोपिया की राजधानी पूछिए आपको। तो इथियोपिया की राजधानी हो जाएगी एडिस अबाबा है इथियोपिया की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, थेम्स नदी किस देश में बहती है? तो थेम्स नदी है ये इंग्लैंड में बहती है। कहाँ पर दोस्तों? इंग्लैंड इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है? तो मैग्नस कार्लसन, जो कि आपके शतरंज के खिलाड़ी हैं, चेस के खिलाड़ी हैं, ये आपके टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसने लिखी है? तो ये सौरव गांगुली की आत्मकथा है। और दोस्तों सचिन तेंदुलकर के आत्मकथा की बात करें तो उसका नाम है प्लेइंग एट माई वे, जो कि आपके डी ग्रुप एएलपी में और आपके आरपीएफ में भी आ चुका है। प्लेइंग एट माई वे किसकी बायोग्राफी है? तो ये हो जाएगी आपके सचिन तेंदुलकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पक्ष पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो पक्ष पीयूष ग्रंथि है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करती है। ऑप्शन आपके डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक टर्म दी गई है बैक रो अटैक, इसका उपयोग कौन से खेल में होता है? तो दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है वॉलीबॉल में। किसमें? वॉलीबॉल में किया जाता है बैक रो अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों के एपिडर्मिस में पाई जाने वाली वे संरचनाएं जो वाष्पोत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती हैं? तो ये हो जाएगी आपकी स्टोमेटा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, स्टोमेटा, जो रंध्र होते हैं। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में खोंड जनजाति के लोग कहाँ के जंगलों में निवास करते थे? तो 19वीं शताब्दी में जो खोंड जनजाति हैं उनके लोग हैं ये ओडिशा के जंगलों में निवास किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य तौर पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन इसे पहले भी खत्म किया जा सकता है। तो इन्हें खत्म कर सकते हैं राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसे अब एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है? तो ये हो जाएगा सिक्किम को। सिक्किम को 1975 में मिला था पूर्ण राज्य का दर्जा, 36वें संविधान संशोधन के दौरान हुआ था ये। तो ये सिक्किम आपका करेक्ट है। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक है रॉबर्ट कोच। कौन है दोस्तों? रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट है, ऑक्जेलिक एसिड का IUPAC नाम आपको पूछा है, तो ये हो जाएगा एथेनडोइक एसिड। एथेनडोइक एसिड है जो इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर होता है, OH C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH, ये होता है आपके H2C2 और आपके O4, ये होता है एथेनडोइक एसिड का केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर के अंदर हुआ था 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिसत्व शब्द किस धर्म से संबंधित है? नाम से स्पष्ट है बौद्ध धर्म हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। टोंगा की खाई किस महासागर में स्थित है? तो टोंगा की खाई है प्रशांत महासागर में। कहाँ है दोस्तों? प्रशांत महासागर में स्थित है टोंगा की खाई। अगला है, एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH का आयनी कारक नियतांक कितना है? तो एसिटिक एसिड का आयनी कारक नियतांक हो जाएगा 1.74 × 10⁻⁵। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ककरापार नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ककरापार जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट है। संवेग ज्ञात करने का आपको फॉर्मूला पूछा है, तो संवेग होता है P = mv होता है द्रव्यमान गुणा वेग, ये हो जाएगा आपके ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे।
निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? यहाँ पे बिल्कुल इजी ऑप्शन दिए गए हैं, मालदीव है, ये भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो आरटीजीएस की फुल फॉर्म हो जाएगी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में निम्न में से किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में टोटल जो लोकसभा सदस्य हैं उनकी संख्या है 80, जो कि ऑल ओवर इंडिया में सर्वाधिक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पुस्तक द आर्क्योलॉजी ऑफ एंशियंट इंडियन सिटीज ये है, इसके लेखक पूछे हैं किसने लिखी है, तो दिलीप कुमार चक्रवर्ती ने लिखी है द आर्क्योलॉजी ऑफ एंशियंट इंडियन सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? तो खजुराहो में जो लक्ष्मण मंदिर है इनको चंदेलों ने बनवाया था, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट है। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ है गुजरात में, कहाँ पर दोस्तों? गुजरात में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, असम की राजधानी है? तो असम की राजधानी है दिसपुर, दिसपुर आपका करेक्ट हो जाएगा। और युवा ओलंपिक खेल 2018 का आयोजन किस शहर में हुआ था? ब्यूनस आयर्स, कहाँ पर हुआ था? जो यंग ओलंपिक खेल हुए हैं 2018 में ये हुए हैं ब्यूनस आयर्स, और मैं आपको बता दूँ ब्यूनस आयर्स है ये अर्जेंटीना की राजधानी है। और युवा ओलंपिक खेल 2018 का जो मोटो था वो था फील द फ्यूचर, क्या था? फील द फ्यूचर था मोटो था 2018 का युवा ओलंपिक का, और ये हुए थे आपके ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में आयोजित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1972 में हुआ था दोस्तों। निम्न में से कौन सी एक दुर्लभ मुद्रा नहीं है? और मैं आपको बता दूं दुर्लभ मुद्रा का मतलब है वह विदेशी मुद्रा जो कठिनाई से प्राप्त हो, तो इसमें से कुवैती दिनार कठिनाई से प्राप्त नहीं होती है, इजीली मिल जाती है, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कुवैती दिनार है जो कि एक दुर्लभ मुद्रा नहीं है। ओके, अगला है, कैलोटाइप सोसाइटी यानी फोटोग्राफिक क्लब है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये हुई थी आपके दोस्तों 1847 AD में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? तो भारतीय जो संसद है उनका सदन लोकसभा है जो कि अधिक पावरफुल होता है, मोर पावरफुल। भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम ECGC या फिर इंग्लिश में बोले तो ये हो जाएगा एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम, इसका मुख्यालय है मुंबई में, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियाँ क्या कहलाती हैं? तो नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियाँ कहलाती हैं बेसिन, क्या कहते हैं दोस्तों? बेसिन बोला जाता है इसको। और भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? भूतल और समुद्र के बीच की जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं समुद्र तट, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। ड्यूस शब्द का प्रयोग किस गेम्स में होता है? ड्यूस का होता है टेनिस में, ड्यूस है ये टेनिस से संबंधित टर्म है। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद तुरंत बाद भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो गुलजारी लाल नंदा को बनवाया गया था कार्यकारी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद। योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो योग सूत्र है ये पतंजलि के द्वारा लिखा गया है, योग सूत्र पतंजलि के द्वारा। कोलंबिया की मुद्रा आपको पूछी है तो कोलंबिया की मुद्रा हो जाएगी पैसो, कोलंबियन पैसो है, ऑप्शन बी करेक्ट है। और इस जो ये आपके SI का 19 दिसंबर का जो लास्ट GK का क्वेश्चन है, SI पत्ती में गुणज 10 की घात माइनस 18 का उपसर्ग है, तो 10 की घात माइनस 18 का बोलो ये हो जाएगा दोस्तों आपके, ओके, तो इसका आपके ऑप्शन ए करेक्ट है, एटो, 10 की घात माइनस 18 हो जाता है एटो। और योक्टो की बात करें, योक्टो होता है 10 की घात माइनस 24, 10 की घात माइनस 24 होता है योक्टो। और यहाँ पे योटा, योटा होता है 10 की घात 24, 10 की घात 24 योटा होता है। और एक्सा होता है 10 की घात 18, तो ये सभी आपके आने वाले किसी भी शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं RPF के। और 10 की घात 15 को बोला जाता है पेटा, क्या होता है दोस्तों? 10 की घात 15 पेटा, और 10 की घात जो माइनस 15 होती है उसको बोला जाता है फेमटो, फेमटो। 10 की घात 12 को क्या बोला जाता है? 10 की घात 12 को टेरा बोला जाता है, 10 की घात 12 हो जाती है आपके
13 और आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताना 10 की घात माइनस 12 इसका ये उपसर्ग है, इसका क्या नाम है, 10 की घात माइनस 12। अब देखते हैं दोस्तों आपके 19 दिसंबर के थर्ड शेप के क्वेश्चंस, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। रीजनिंग के क्वेश्चंस है टोटल 120 क्वेश्चन है इस पीडीएफ फाइल में 19 दिसंबर के प्रथम पारी में। तो रीजनिंग के किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आरपीएफ के इन तीनों शिफ्टों की, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उसके बाद वहां पे पीडीएफ फाइल आप इजीली देख सकते हो। टोटल 120 क्वेश्चन है इसमें, और नेक्स्ट शिफ्ट की ओर बढ़ते हैं जीके के क्वेश्चंस। और ये है आपके 19 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट है, यहाँ पे सेकंड नहीं है, थर्ड शिफ्ट है। तो आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी क्या कहलाती है, तंग नदी घाटी हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। फॉर्मिक एसिड का आयनी कारक नीतांक क्या है, तो इससे पहले में था आपके एसिटिक एसिड का, यहाँ पर पूछ लिया गया है फॉर्मिक एसिड का। तो आयनिक कारक स्थिरांक आप ज़रूर याद, प्रत्येक जो यौगिक होता है इम्पोर्टेंट एसिड होता है उनका याद करके जाइएगा। तो फॉर्मिक एसिड का हो जाएगा 1.8 × 10⁻⁴, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है, तो इसका आपका आंसर होगा राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती है, कभी नहीं, क्योंकि आपको पता है राज्यसभा एक स्थायी सदन है जहां पर एक तिहाई सदस्य हैं प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के। हैट्रिक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आप सबको मालूम होगा क्रिकेट में होता है हैट्रिक शब्द का प्रयोग। और अगला क्वेश्चन है, मेलोनिक एसिड का आईयूपीएसी नाम आपको पूछा है, तो मेलोनिक एसिड का आईयूपीएसी नाम हो जाएगा प्रोपेनडोइक एसिड, प्रोपेनडोइक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश में राज्यों की संख्या 27 से घटाकर कर दी गई थी, तो राज्यों की संख्या हो गई थी 27 से कम होकर 14, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि का, ये देखिए पूछा गया है थायराइड ग्रंथि है कौन से हार्मोन का श्रावण करती है, तो कैल्सीटोसिन, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कैल्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 1962 में घोषित किया गया पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब तक रहा है, तो ये रहा दोस्तों 1968 तक, कब तक रहा, 1968 तक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलीरी पाइटू है, तो कलीरी पाइटू क्या दोस्तों, ये है केरल की मार्शल आर्ट और युद्ध कला है, नाम है कलीरी पाइटू, जो कि केरल की मार्शल आर्ट है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है, सूक्ष्म जैविकी के जनक है एंटिनो वॉन ल्यूवेनहॉक। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे हांगकांग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र का प्रत्येक पारी में पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा कुडनकुलम तमिलनाडु में, कहाँ पर है दोस्तों, तमिलनाडु में है। अगला है, कंबोडिया की राजधानी, तो कंबोडिया की राजधानी हो जाएगी आपके फनोम पेन, फनोम पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसे पहले वाले पारी में भी पूछा गया था आपके 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, और यहाँ पे पूछ लिया गया है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, जो कि अभी है YV रेड्डी, कौन है दोस्तों, यागा वेणुगोपाल रेड्डी, 2015 से 2020 तक रहेंगे। और जो 15वां वित्त आयोग होगा अगला 2020 से 25 तक, उनके अध्यक्ष होंगे NK सिंह, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो दोस्तों पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र होता है बल बटा लंबाई होता है, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है, क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर इसका मात्रक होता है पृष्ठ तनाव का, सरफेस टेंशन। वैसे इसका सूत्र होता है F/4πr×c होता है, ये पृष्ठ तनाव होता है, लेकिन आपको इतना ही याद रखना है बल बटा लंबाई। सिक्किम की राजधानी है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, ऑप्शन बी करेक्ट है। एपिडर्मी कोशिकाओं में पाई जाने वाली वे एक कोशी की लंबी आकृतियां जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती है, तो ये हो जाएगी आपके मूल रोम, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड SAIL का मुख्यालय कहाँ पर है,
तो इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर दोस्तों? नई दिल्ली आपका करेक्ट है। यहाँ पे निम्न में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित नहीं है? तो खिलाड़ी का नाम है रोरी मैक्लोरी। रोरी मैक्लोरी जो कि गोल्फ के खिलाड़ी है, न कि हॉकी के हैं, और बाकी ये तीनों खिलाड़ी हॉकी से संबंधित हैं, तो ये आपका एक ऑड हो जाएगा ऑप्शन ए। भूतल के नीचे जल का स्तर क्या कहलाता है? तो भूतल के नीचे का जल स्तर कहलाता है वाटर टेबल। ऑप्शन सी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का अलग संविधान है। और आप कमेंट करके बताइए जम्मू कश्मीर को कौन से धारा के तहत अलग राज्य का दर्जा दिया गया है। मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है? मिसिसिपी नदी है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। कहाँ बहती है? जो कि पक्षी आकार का डेल्टा बनाती है। आपके जो एक एग्ज़ाम हुआ था RPSSI का, इसमें पूछा गया था कौन सी नदी पक्षी आकार का डेल्टा बनाती, तो वो आपकी मिसिसिपी है और ये बहती है संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई है? तो रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा पाई गई है एलोरा की गुफाओं में। कहाँ पर दोस्तों? एलोरा की गुफाओं में। और अगला क्वेश्चन बुक्स पूछी गई है, एस अगेंस्ट ऑड्स, एक अगेंस्ट ऑड्स बुक है, इनके लेखक कौन है? तो सानिया मिर्जा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं राष्ट्रपति प्रथम नागरिक। नेक्स्ट है, 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ है? तो 2018 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ये दो खिलाड़ियों को दिया गया है। एक तो आपके मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टर हैं, और दूसरा विराट कोहली को। इन दोनों को मिला है खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी 2018 का। पागलपंथी सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। पागलपंथी सत्याग्रह बंगाल में हुआ था। भारत का संविधान कब से लागू हुआ है? तो भारत का संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 से। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई है? तो दोस्तों पुणे सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1870 में, और ये किनके द्वारा की गई है? ये की गई है गोविंद रानाडे के द्वारा पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई है। कहाँ पर की गई है? नाम से स्पष्ट है, पुणे में की गई है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट है। एल्यूमिनियम तत्वों का परमाणु क्रमांक आपको पूछा है, तो ये हो जाएगा 13। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। और नेक्स्ट है, सोंग्राम संगमा विद्रोह कहाँ पर हुआ है? सोंग्राम संगमा विद्रोह ये असम में हुआ है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, कहाँ पर हुआ है? असम में। नेक्स्ट है, दिसंबर 1929 में लाहौर में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पास हुआ था? पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव दोस्तों? पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पास हुआ था लाहौर अधिवेशन में 1929 में। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कौन से वर्ष में पारित हुआ था? तो 1963 में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था लोकसभा में। ऑप्शन आपके डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसने दो लगातार कार्यकालों में राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दो लगातार कार्यकालों में राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शब्द फ्री स्टाइल का उपयोग किस खेल में होता है? तो फ्री स्टाइल जो टर्मिनोलॉजी है गेम्स की, ये कुश्ती में होता है इसका प्रयोग। कौन से गेम्स में होता है दोस्तों? कुश्ती में होता है। तो प्रत्येक गेम्स के आप टर्म्स जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि प्रत्येक बारी में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ आपके 1856 AD में। ऑप्शन बी करेक्ट है। और अनिल कुंबले का आपको उपनाम पूछा है, तो अनिल कुंबले का उपनाम हो जाएगा जम्बो। क्या हो जाएगा? जम्बो हो जाएगा। और जावा की खाई किस महासागर में है? जावा की खाई, ट्रेंच ऑफ जावा, ये है दोस्तों हिंद महासागर में। ऑप्शन डी करेक्ट है। वस्तुओं के वैश्विक संकेत अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ है आपके 1999 में। वस्तुओं के वैश्विक संकेत अधिनियम 1999 में लागू हुआ था। SLR की फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये हो जाएगी आपके स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ऑप्शन सी करेक्ट है, SLR की फुल फॉर्म। भारतीय संविधान प्रदान करता है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता।
नेक्स्ट है हाथी गुंफा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। तो हाथी गुंफा का जो शिलालेख है ये खारवेल के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। एसआई पत्ती में गुणज 10^-15 का उपसर्ग है। तो इससे पहले मैं पूछा गया था आपको 10^24 का पूछा गया था, 10^-24 का जो कि योटो होता है, और यहाँ पे पूछा गया है 10^-15 का, ये होता है फेमटो, और 10^15 होता है पेटा। तो इन सभी का ध्यान में रखना आपको। और अगला क्वेश्चन है ईरान की मुद्रा का नाम पूछा है, तो ये रियाल हो जाएगी, ईरानी रियाल हो जाएगी। ये एसआई में रिपीट क्वेश्चन हुआ है, परसों एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था। सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी कितनी है। तो सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी है दोस्तों, मंगल की पूछी गई थी इससे पहले और इसमें पूछ ली गई है सूर्य और शुक्र की, सूर्य और पृथ्वी की भी पूछी गई थी एक पारी में। तो 108.2 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट है। बृहत संहिता पुस्तक किसने लिखी है, वराह मिहिर ने। किसने लिखी है, बृहत संहिता है ये पुस्तक लिखी गई है वराह मिहिर के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है विदेशी विनिमय बाजार में वह स्थिति क्या कहलाती है जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में गिरने लगता है। तो अवमूल्यन ये स्थिति कहलाती है दोस्तों, अवमूल्यन। अगला क्वेश्चन है उत्तम प्यांचार नक्शा, उत्तम प्यांचार नक्शा पुस्तक किसने लिखी है। तो कली प्रसन्न सिंह ने लिखी है, उत्तम प्यांचार नक्शा पुस्तक के लेखक हैं काली प्रसन्न सिंह। और जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई है। तो जेम्स चैडविक हो जाएगा, न्यूट्रॉन की खोज की गई है जेम्स चैडविक द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अब आपके यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अपन सीधे बढ़ते हैं जीके के क्वेश्चंस की तरफ, जो कि अगली पारी के क्वेश्चन है। तो ये आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपके मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे। और ये अगली पारी है आरपीएफ एसआई की, 24 दिसंबर की है। तो इसका पहला क्वेश्चन आ रहा है किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था। तो किसान सभा आंदोलन है ये बिहार राज्य में प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन डी करेक्ट है। नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी, दीन बंधु मित्र ने लिखी है नील दर्पण पुस्तक, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला है अधिवृक्क ग्रंथि जो एड्रिनल ग्लैंड है ये क्या स्रावित करती है, कोर्टिसोल हार्मोन स्रावित करती है अधिवृक्क ग्रंथि। अगला है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक में क्या लिखा गया है, अनुच्छेद एक में लिखा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया है ये राज्यों का संघ होगा, ये आपके अनुच्छेद एक में लिखा गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है। तो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है ये आपके इलाहाबाद में है, जिनका अभी नाम अक्टूबर 2018 में नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है, जहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाबना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ है। तो प्रत्येक पारी में एक किसान विद्रोह का क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। तो पाबना किसान विद्रोह है ये हुआ है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो 7.4 होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंधित नहीं है। तो ये हो जाएगा एंड्रिया अर्सोविक, जो कि दोस्तों एक शूटर है। कौन है, शूटर है, तीरंदाजी से संबंधित नहीं है। तो एंड्रिया अर्सोविक आपका करेक्ट हो जाएगा। एसआई पत्ती में गुणज 10^24 का उपसर्ग होता है। तो 10^24 यहाँ पे पूछा गया है, जिसे योटा बोला जाता है, योटो नहीं योटा, योटा ऑप्शन बी आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एसआई पत्ती में गुणज 10^24 प्रत्येक पारी में एक यहाँ पे 10^10 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है राष्ट्रपति के रूप में। 11वें वित्त आयोग, देखिए दोस्तों प्रत्येक पारी में आपके इन तीनों पारियों में मैं आपको बता रहा हूँ वित्त आयोग से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो भी वित्त आयोग रह चुके अब तक 14वां वित्त आयोग चल रहा है, तो इससे पहले वाले सभी वित्त आयोग के अध्यक्ष आप रट के जाइएगा। तो 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं ए एम खुसरो, कौन है दोस्तों, ए एम खुसरो है। अगला है अमुक्ता माल्यदा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। अमुक्त माल्यदा,
अमुक्त मालेदा बुक्स हैं ये लिखी गई हैं कृष्ण देव राव के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट है कृष्ण देव राय के द्वारा। शक्ति ज्ञात करने का सूत्र, शक्ति दोस्तों क्या होता है, कार्य करने की दर, कार्य बटा समय हो जाएगा आपके शक्ति, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। अगला है फॉल्स स्टार्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है, तो प्रत्येक पारी में गेम्स की टर्म आपकी पूछी जा रही है, फॉल्स स्टार्ट है ये एथलेटिक्स का शब्द है, ऑप्शन ए करेक्ट है आपके। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, संसदीय शासन व्यवस्था। नेक्स्ट है चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेट्स हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है, चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है, हिप्पोक्रेट्स। रेड फोर्ट अन्य किस नाम से जाना जाता है, लाल किला, रेड फोर्ट हो जाएगा लाल किला, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी, देखिए दोस्तों प्रत्येक पारी में आ रहा है सूर्य, मंगल आ गया, शुक्र आ गया, ये बुध ग्रह, सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी हो जाएगी आपके 57.91 मिलियन किलोमीटर। गटका एक मार्शल आर्ट है, ये किस राज्य से संबंधित है, तो गटका हो जाएगी आपके पंजाब राज्य की मार्शल आर्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो मार्शल आर्ट के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रिपीटेड। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई है, जे थॉमसन, इससे पहले आपके पूछा था न्यूट्रॉन की खोज और इसमें पूछ लिया है इलेक्ट्रॉन की खोज। अल्बेनिया की राजधानी तिराना हो जाएगी, अल्बेनिया की राजधानी क्या है दोस्तों, तिराना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो राष्ट्रपति करता है 12 सदस्यों को मनोनीत, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं, मेजोफिल। ऊपरी और निचली एपिडर्मी के जो बीच में ऊतक पाया जाता है उसे बोला जाता है मेजोफिल, ऑप्शन ए करेक्ट है। फिनलैंड की मुद्रा का नाम पूछा है, तो फिनलैंड की मुद्रा हो जाएगी यूरो, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है, तो ये हो जाएगी सेशल्स, चाइना म्यांमार भूटान की मिलती है लेकिन आपके सेशल्स की नहीं मिलती है। कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है, तो ये हो जाएगा आपकी टोपोग्राफिक मैप, कौन सा मैप है किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है, टोपोग्राफिक मैप। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है, तो ये आपके हो जाएगा इसके लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है, कोई फिक्स आयु सीमा नहीं है कि राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम इतनी आयु होनी चाहिए, मिनिमम तो फिक्स है लेकिन अधिकतम नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा के अस्थाई स्पीकर यानी अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की गई जाती है, तो लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी शेड्यूल कितनी है, अनुसूचियाँ कितनी हैं, टोटल 12 भारतीय संविधान में अनुसूची है, ऑप्शन डी करेक्ट है। भारत की पहली गैर कांग्रेस सरकार के नेता कौन थे, मोरारजी देसाई थे प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार के नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान है ये हैदराबाद में स्थित है, कहाँ पर दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। सनी डेज पुस्तक किसने लिखी है, तो सनी डेज पुस्तक है ये सुनील गावस्कर ने लिखी है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किन भारतीय खिलाड़ियों को मिला है, तो प्रथम मिला है विश्वनाथन आनंद को, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हैं 2018 में कोहली और मीराबाई चानू को दिया गया था, ये जो सबसे पहले दिया गया था आपके 1991-92 में विश्वनाथन आनंद जो कि आपके चेस के खिलाड़ी हैं। वोल्गा नदी किस देश में बहती है, तो वोल्गा है ये रशिया में बहती है, रूस में बहती है। बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम है प्रोजेक्ट टाइगर, ये कब से शुरू किया गया था, तो ये हुआ आपके 1973 से स्टार्ट हुआ है प्रोजेक्ट टाइगर। मरियाना की खाई जो मरियाना ट्रेंच है ये किस महासागर में, प्रत्येक पारी में खाई से आपका एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है उनको जरूर याद करके जाइए, तो मरियाना ट्रेंच है प्रशांत महासागर में। और नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके अंतर्गत आता है, तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। बोरान तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, तो बोरान तत्व का परमाणु क्रमांक है 5, कौन सा ये हो जाएगा आपके एटॉमिक नंबर 5 है बोरान का।
अगला है 1988 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष, तो चौथे अध्यक्ष थे जॉर्ज यूली थे। और शब्द हाफ नेल्सन का उपयोग किस खेल में होता है? हाफ नेल्सन का उपयोग होता है कुश्ती। ऑप्शन सी करेक्ट है। एडिपिक एसिड का आईयूपीएसी नाम, तो हेक्सेन डाई ओइक एसिड हो जाएगा। एडिपिक एसिड हेक्सेन डाई ओइक एसिड। केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? केगा है कर्नाटक में। ऑप्शन बी करेक्ट है। नोवाक जोकोविच का उपनाम आपको पूछा था नोली हो जाएगा। नोवाक जोकोविच का उपनाम नोली है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। तिरुपति गुड़िया डॉल्स बनी होती है, तो तिरुपति गुड़िया है ये लाल चंदन की लकड़ी से बनी होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। जमींदार सभा की स्थापना कब की गई? तो जमींदार सभा है इसकी स्थापना की गई है 1838 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के संबंध में, जो नीति है NITI इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है ऑप्शन डी में। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, नदी का वह ज्वारीय मुहाना जहाँ पर ताज़ा और खारा पानी मिश्रित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उस मुहाने को बोला जाता है एस्टुअरी, जहाँ पर ताज़ा और खारा पानी दोनों मिक्स होते हैं एस्टुअरी उसको बोला जाता है। यदि सरकार अपने बॉन्ड्स की खरीदारी उनकी परिपक्वता अवधि से पूर्व ही शुरू कर देती है तो ये आपकी इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में संचारित मुद्रा क्या कहलाएगी? तो इस स्थिति में जो मुद्रा है इनको बोलेंगे सस्ती मुद्रा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के आपके तीनों पारियों के जो मेरे को क्वेश्चंस मिले हैं जीके के 150 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी ये सभी क्वेश्चंस आप PDF फॉर्मेट में RPF SI के इन तीनों पारियों के मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ रेलवे ग्रुप डी के ऑल 135 शिफ्ट के 13,500 क्वेश्चंस की जो 4,600 पेज की PDF फाइल है ये आपको डाउनलोड कैसे करनी होगी, किस टाइप से पेमेंट करना होगा। तो दोस्तों आप जैसे ही वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते हो यहाँ पे क्लिक करके, तो आपको यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगी रेलवे ग्रुप डी के ऑल 135 शिफ्ट की। उस लिंक पे आपको सिंपली इस टाइप से क्लिक करना होगा। और अब आपको यहाँ पे इस टाइप से आपका पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको सिंपली क्लिक करना है और अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ये तीनों फिल करना है। और यहाँ पे ईमेल आईडी आपको एक करेक्ट फिल करनी होगी, क्योंकि जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा तो वो आपकी PDF फाइल की लिंक है डाउनलोड करने की वो ईमेल आईडी पर आपके भेज दी जाएगी। यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यदि यहाँ पे पेज में एरर आ जाती है तो आपको ईमेल आईडी से डायरेक्टली डाउनलोड करने को वो फाइल मिल जाएगी। और अब आपको यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पर पेमेंट की बात करें तो आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और वॉलेट से, वॉलेट में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे ओला मनी, फ्री चार्ज, मोबीक्विक और जियो मनी के। यहाँ से किसी भी पेमेंट गेटवे से आप डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि मैं ओला मनी से डाउनलोड करना चाहता हूँ, या फिर आप डेबिट कार्ड से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो अपने ATM कार्ड से। तो आपको सिंपली चेकआउट पर क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पर मेरा पेमेंट डन हो चुका है। जैसे ही आपका पेमेंट डन हो जाएगा यहाँ पे लिखा आ जाएगा पेमेंट सक्सेसफुली, और यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। और आप जैसे इस पे डाउनलोड पे क्लिक करने हो तो फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ से ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। और बाकी आपको ईमेल आईडी पर भी डाउनलोड की लिंक है वो भेज दी जाएगी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, और इससे जुड़े हुए और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि जैसे ही लेटेस्ट वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।